हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा साड़ीज का कलेक्शन। और कहने दीदी आ गई है, अब वहाँ पे बैठो ना बच्चा, यहाँ पे इतनी सारी साड़ीज है। हाँ अभी आके बैठो यहाँ। ओके, तो बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी मुझे कि आप अपना साड़ीज का जो कलेक्शन है वो दिखाओ। एक्चुअली मेरे पास बहुत सारी साड़ीज है, मतलब एक ही पार्ट में नहीं हो जाएगा, मुझे लगता है बहुत सारे पार्ट, पता नहीं कितने सारे पार्ट हो जाएंगे। अभी तो मैंने 17 साड़ीज ली है जो मतलब मुझे दिखाने, जो मतलब ऊपर के कबड़ में थी, तो मैंने वो सब साड़ी निकाली और सभी साड़ीज में दिखाने वाली हूँ क्योंकि मुझे मेरी साड़ी जो है मुझे बहुत पसंद है। एक्चुअली मैं बहुत कम एक्चुअली मैं बहुत कम साड़ीज पहनती हूँ, आप सभी को पता है। और यहाँ पे स्वामी श्री भी आ गई है। हाय करो, बाय नहीं बच्चा, हाय। अच्छा बच्चा, तो चलिए अभी स्टेप बाय स्टेप आप सब, ओ मेरी साड़ी। अच्छा बस खाली, बस बस सिट डाउन, गणेश जी सिट डाउन, ओके गुड गर्ल। अच्छा बच्चे हैं और नितेश जो है बहुत ज़्यादा बिजी है, तो इस वजह से बच्चे जो है मेरे साथ है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। एक्चुअली मैंने ऐसा कुछ मतलब ये नहीं किया है कि सिल्क साड़ीज ही कलेक्शन वही नहीं दिखा रही हूँ, जो जितनी भी सारी मिक्स साड़ीज है वही सब दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले आ रही है ये ग्रीन कलर की साड़ी और आप देख सकते हैं ये साड़ी। एक्चुअली मैं पूरा ओपन नहीं करके दिखाऊंगी क्योंकि इतनी सारी साड़ी जो अगर मैं ओपन करके दिखाऊंगी तो बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। बट यस, और जिसके आप देख सकते हैं यहाँ पे टिकलीज का वर्क जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और इसकी जो डिज़ाइन है इसके आप देख सकते हैं। तो ये वाली हुई फर्स्ट साड़ी। और ये जो साड़ी थी मेरी मम्मा ने मुझे मेरी जब शादी हुई थी तब दी थी। और अभी मुझे ऐसी वाली साड़ी जो है इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती है और मुझे लगता है मैंने इस साड़ी को 2-3 साल हुए नहीं पहना, 2-3 साल हुए मतलब समझ सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद ये है रानी कलर, इसे बोलते हैं, जैसे ये है रानी कलर की साड़ी और आप इसका वर्क भी देख सकते हैं बहुत ही अच्छा। और ये जो साड़ी है पहली वाली उसकी शायद प्राइस है 2000 ऐसी कुछ तो प्राइस है, मतलब इतने एग्जैक्टली नहीं बट उसके आसपास ही कुछ तो प्राइस है, तो वो है मुझे पता है। उसके बाद ये वाली साड़ी थे बच्चा 2 मिनट। उसके बाद ये वाली साड़ी जो है वो मैंने ली थी अपनी सिस्टर की वेडिंग के लिए, यानी कि मेरी शादी से पहले मैंने ली थी ये साड़ी। और नेट है आप देख सकते हैं, अंदर नेट है और इसके अंदर आपको मतलब कुछ इस तरह से है ये साड़ी आप देख सकते हैं। और ये जो साड़ी है मतलब मेरी सिस्टर की, मतलब मैं इंजीनियरिंग पढ़ रही थी तब मैंने ये साड़ी ली थी मेरी सिस्टर की शादी के। और इस साड़ी की जो प्राइस है वो है 4000 रुपीज़। बहुत ही अच्छी साड़ी है और उसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके अंदर जो है आपको एक प्रकार का अलग प्रकार का मतलब आपको पर्कर पहनना पड़ता है और वो जो होता है उसको शिमर काइंड ऑफ कहते हैं। तो ये हुई सेकंड। उसके बाद ये है थर्ड वाली साड़ी, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ तो 2 मिनट दिखाती हूँ। एक्चुअली बहुत हेवी साड़ीज है, आप देख सकते हैं सी गोल्डन एंड रेड कलर का कॉम्बिनेशन है और हाफ ऑफ साड़ीज है ये। तो ये जो साड़ीज है हाफ ऑफ करके है एक्चुअली, आप देख सकते हैं। और मुझे ये जो साड़ी है वो इस वजह से पसंद आई क्योंकि इसका जो कलर है रेड कलर, जिसके इसको मतलब एकदम फ्रेश रेड कलर दिखता है, एकदम टोमेटो वाला एकदम फ्रेश, अगर मैं इसे पहनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ये साड़ी जो है बहुत ज़्यादा हेवी है और इसका जो वर्क है वो भी अच्छी क्वालिटी का है। एक्चुअली जो साड़ीज दिखती है अगर हम ऐसे ही सेम साड़ीज कम रेंज में लेंगे, एक्चुअली जो साड़ी थी मैंने शायद
3500 रुपीज़ में कुछ तो ली थी। अगर ऐसी सेम साड़ी अगर हम कम रेट में लेते हैं तो उसका मटेरियल भी हल्का होता है और क्वालिटी भी हल्की होती है। और मुझे लगता है ये मैंने 2 साल पहले साड़ी ली थी, दिवाली पे ली थी, बट इसका जो वर्क है बिल्कुल नहीं चला गया। और ये जो वाली चमकी है ये मुझे बहुत पसंद है, मतलब बिल्कुल नहीं निकलती है और बहुत हेवी साड़ी है। जितनी हेवी साड़ी होगी उतनी अच्छी क्वालिटी होती है, मुझे ऐसा लगता है। एक्चुअली इतना ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस नहीं, बट जितना है उतना है। और ये हाफ ऑफ है, मतलब इसका जो पल्लू है मुझे लगता है रेड कलर का है, शायद मुझे इतना भी याद नहीं आ रहा, शायद ये रेड कलर का पल्लू है इसका। सो ये हुई थर्ड कलर की साड़ी। और इसका जो ब्लाउज है ना बहुत अच्छा, मतलब मैंने आपको दिखाया है शायद, यस मैंने आपको दिखाया, बहुत हेवी साड़ी है ये। 3 साड़ी हुई। इसके बाद ये है और वाली साड़ी जो मैंने कब पहनी थी, शायद परसों ही कुछ तो पहनी थी, यस मेरे परसों पहनी थी, कुछ तो फंक्शन था, हाँ गुड़ी पाड़वे के दिन मैंने पहनी थी। ये जो साड़ी है उसका कॉम्बिनेशन, मतलब एक्चुअली मैंने इसकी अच्छी तरीके से फोल्ड नहीं किया था। ये जो साड़ी मुझे पूरी ओपन करनी पड़ी, एक्चुअली इसका पल्लू जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये जो साड़ी है मतलब इसका जो कॉम्बिनेशन है, मतलब येलो एंड रेड कलर का कॉम्बिनेशन है, और ये मुझे लगता है सुपर नेट इसे कहते हैं शायद, हाँ सुपर नेट ही कहते हैं। और इतनी ज़्यादा मतलब हेवी नहीं है, बहुत ही लाइट वेट है, बट मुझे इस साड़ी को बिल्कुल ढंग से पहनना नहीं आता है क्योंकि ये बहुत फूल जाती है, सुपर नेट की जो साड़ी होती है। और आप देख सकते हैं इसका पल्लू बहुत ही अच्छा पल्लू है, और इसका जो कलर है वो भी बहुत ज़्यादा फ्रेश है, और ये जो कलर है मुझे लगता है मुझे बहुत ज़्यादा सूट करता है, इसे मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं। और आई थिंक ये जो साड़ीज़ थी जब मैंने ली थी तब इसकी बहुत ज़्यादा फैशन आई थी, बहुत ज़्यादा। और मेरे पास जितनी भी बहुत सारी साड़ीज़ है उसके मतलब मैंने देखे हैं डुप्लीकेट्स भी बहुत सारी साड़ी होती है, जिनके रेट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। नेक्स्ट है ये वाली साड़ी, वाइट एंड रेड कॉम्बिनेशन वाली साड़ी, और ये भी नेट की साड़ी है। एक्चुअली मेरे पास बहुत सारी नेट की साड़ीज है जिसके आप देख सकते हैं हम क्या बच्चा। और इसका जो पर्कर है वो कुछ इस तरह से, यानी कि शिमर का पर्कर है। और मेन चीज़ ये है कि ये साड़ी इतनी मतलब ट्रांसपेरेंट है, एक्चुअली इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं बहुत अच्छी है, बट दो मिनट आपको ऐसे, एक्चुअली इस साड़ी की क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है, बट प्रॉब्लम क्या है ना, ये ट्रांसपेरेंट है, नेट है इसमें, तो आपको ना एक लेगिंग्स वाइट कलर की फुल लेगिंग्स पहननी पड़ती है, नहीं तो अदरवाइज सब दिख जाता है। तो इस वजह से ये पर्कर पहने हुए भी, मतलब ये पर्कर भी इसके साथ ही, मतलब ये जो कपड़ा होता है इसके साथ ही मिलता है, इसको आपको खिलाना पड़ता है इस पर्कर को, और फिर उसके बाद मुझे वाइट कलर के अंदर लेगिंग्स भी पहननी पड़ती है। और गर्मी में तो मतलब एक्चुअली ये साड़ी बहुत हेवी है, गर्मी में तो बहुत मतलब मुझे परेशानी हो जाती है, तो इस वजह से मैं इसे गर्मी में बहुत कम बार पहनती हूँ। नेक्स्ट जो साड़ी है इसे कहते हैं ओपाड़ा सिल्क, एक्चुअली इसे मैंने आयन नहीं किया है बहुत दिनों है। और ये जो साड़ी है मतलब मेरी मॉम ने मुझे, मतलब जब मेरी हल्दी थी तब ली थी, और ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि आप देख सकते हैं इसका जो बॉर्डर है, मुझे ऐसे वाले बॉर्डर बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये बहुत ही क्यूट, मतलब अभी तो इसे आयन नहीं किया है जिस वजह से इतनी अच्छी नहीं दिख रही है। और ओडिशा ओपाड़ा सिल्क या ओरिशा सिल्क ऐसे कुछ तो है, मुझे इतना मतलब थोड़ी सी मैं कन्फ्यूज़ हूँ। और इसका जो प्राइस मुझे लगता है 4000 रुपीज़ ऐसे कुछ तो है। एक्चुअली हमने बहुत सारी साड़ी ली थी तो इस वजह से हमें डिस्काउंट में मिली थी। ये मेरी हल्दी की साड़ी है, अंदर का मतलब मुझे लगता है इसका पल्लू मुझे लगता है रेगुलर ही होगा, रेगुलर ही होगा शायद, हाँ दो मिनट। इसका जो पल्लू है वो कुछ इस तरह का है, ये आप देख सकते हैं, ये है इसका पल्लू। और
एक्चुअली हम महाराष्ट्रन जो लेडीज होती है हमारे पास ऐसी प्योर सिल्क की साड़ी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि शादी हो वगैरह अगर हमारे घर में मतलब खुद की शादी हो तो हम सब लेडीज जो है मतलब प्योर सिल्क की साड़ीज लेना ही प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट वाली साड़ी है मैंने बहुत कम बार पहनी, ये जो साड़ी है मेरी मम्मी ने मुझे जब मेरी गोद बनाई थी तब ली थी। एक्चुअली ये जो कलर है बहुत अलग है, मतलब कभी कभार ग्रीन दिखता है कभी कभार रेड दिखता है, तो टू इन वन कलर है इसका आप देख सकते हैं। और मतलब महाराष्ट्र में ऐसा होता है कि अगर गोद भराई होती तो ग्रीन प्योर पूरा जो ग्रीन कलर होता है वही पहनाई जाती है साड़ी, प्योर सिल्क की साड़ी पहनाई जाती है। स्वामी दीदी गंगा दीदी शांत बसा ना बच्चन ना और मेरे पास ग्रीन कलर की साड़ी थी तो इस वजह से मैंने मम्मी को बोला सेम साड़ी मत लो, क्योंकि मेरे पास पूरी मतलब प्योर से थी ग्रीन कलर की साड़ी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, अभी तो मेरे पास मतलब नैनी ने ही लाई है। तो ये हुई मेरी गोद भराई की साड़ी और ये भी सिल्क की साड़ी है, बहुत ही अच्छी है। एक्चुअली जब आप ये साड़ी पहनते हो तब ये बहुत अच्छी लगती है और सेम अंदर ही है। एक्चुअली मुझे ये जो गोल्डन जो यहाँ पे वर्क है वो बहुत पसंद, वर्क नहीं डिज़ाइन जो होती है इसे क्या बोलते हैं डिज़ाइन या फिर पट्टा बोलिए, ये बहुत पसंद आया है। नेक्स्ट साड़ी जो है शायद मैंने इसको दिखाया था बहुत दिन पहले मैंने ली थी, एक्चुअली इसे मैंने अभी तक नहीं पहनाया है, अभी तक नहीं पहनी है ये साड़ी। शायद मुझे लगता है इसका ब्लाउज जो है वो सिल के नहीं हुआ शायद इसका ब्लाउज, हाँ अब देख सकते हैं ये जो साड़ी है यहाँ पे वर्क जो है वो कुछ इस तरह का है और यहाँ पे रोज का पैच लगा हुआ है, सेम अंदर यही पैटर्न है आप देख सकते हैं, अंदर सेम यही पैटर्न है। और ये जो साड़ी है मुझे इस वजह से पसंद आई क्योंकि ये जो गोल्डन वाली डिज़ाइन है वो थोड़ा सा लाइट है आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा लाइट है और ये कलर मेरे पास एक्चुअली नहीं था तो इस वजह से मैंने ये साड़ी जो है वो ली थी। और इस साड़ी की प्राइस मुझे लगता है 3000 के अराउंड आसपास कुछ तो है। ओह गॉड ये बहुत सारी साड़ी हो गई, नेक्स्ट उसके बाद ये जो कलर है मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली कौन सा कलर पिंक कलर है या कौन सा है, एक्चुअली वीडियो में अलग दिखता है और यहाँ पे अलग दिखता है। ये भी नेट की साड़ी है और इसे भी मैंने प्रेस नहीं बहुत दिन हुआ, एक्चुअली मैंने साड़ी से नहीं पहनी है ये, मुझे लगता है मैंने नवरात्रि के टाइम जब वीडियो बनाया था तब उस टाइम मैंने इस साड़ी को पहना था, उसके बाद मैंने इस साड़ी को बिल्कुल मतलब नहीं पहना था, बिल्कुल भी नहीं पहना था। और ये जो साड़ी है बहुत लाइट वेट है, मतलब ऐसा लगेगा आपको कि आपने पहनी है नहीं, जैसे कि मैंने आपको कुछ मेरी नेट की साड़ी दिखाई वो इतनी हेवी होती है। एक्चुअली इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा कम है, मुझे लगता है ये कुछ 1000 ऐसे कुछ तो, मतलब 1000 के ऊपर थोड़ा बहुत कुछ तो है तो वैसे प्राइस में है। और आप देख सकते हैं मैं आपको दिखाती हूँ इस पास से, अभी पहले मुझे पसंद आती थी बट अभी मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती है, एक्चुअली मेरे पास बहुत सारी नेट की साड़ी हुई और इस साड़ी के अंदर आपको पहनना पड़ता है ये शिमर का पर्दा, ये जो ये भी मटेरियल जो है वो आपको साड़ी के साथ ही मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद है ये वाली एकदम रेगुलर वाली साड़ी है और ये ब्लू दिखाऊंगा और ये वाली साड़ी जो है मतलब इसको क्या बोलते हैं मटेरियल मुझे नहीं समझ में आ रहा है, अच्छा ओके ये ब्लू कलर का और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं रेड ब्लैक एंड गोल्डन कलर का कॉम्बिनेशन है, एक्चुअली ये जो कॉम्बिनेशन है इस वजह से मुझे बहुत पसंद आया और ये जो कलर है बहुत अच्छा है। और अंदर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्यों मुझे पसंद आया, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसा प्रिंट किया हुआ है तो इस वजह से मुझे बहुत पसंद आई, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला प्रिंट मुझे बहुत पसंद आया, एक्चुअली मुझे पता नहीं ये लैंग्वेज है या फिर क्या है। और उसके बाद इसके अंदर भी ऐसे कुछ प्रिंट है शब्द लिखे हुए हैं
इस वजह से ये जो साड़ी है मुझे बहुत पसंद आई। और इसका जो ब्लाउज है मुझे लगता है ब्लैक कलर का है, ब्लैक। हाँ, और ये जो साड़ी है इसकी जो प्राइस है वो है 800 रुपीज़। जब मैंने इसका पोस्ट, एक्चुअली ये पोस्टर पीस था। बहुत सारे साड़ी जो होती है वो पोस्टर पीस में होती है, यानी कि आपको पोस्टर दिखाया जाता है तब भी वो ओपन करने देते हैं, तो ये पोस्टर पीस था। और इस वजह से मुझे साड़ी जो है मुझे बहुत पसंद आई थी। नेक्स्ट वाली जो साड़ी है ये मेरी मामा जब केरल गई थी, एक्चुअली मेरे पास दो केरल की साड़ी है, मतलब ये वाली। और मैंने अभी एक फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था तो मैंने इसे पहना था। और ये वाली साड़ी जो है वो मुझे थोड़ी सी डिफरेंट लगी, क्योंकि ये वाली साड़ी मतलब मेरे पास सेम ऐसी है, बट यहाँ का जो क्या बोलते हैं, काट बोलते हैं, यहाँ की जो डिज़ाइन है, जो भी कुछ बोले, तो वो जो दूसरी साड़ी है सेम ऐसी है, बट उसका गोल्डन यहाँ पे पूरा, यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गोल्डन है तो वही यहाँ पे इतना ही गोल्डन है। और यहाँ पे जैसे कि आप पिकॉक वगैरह देख सकते हैं, वो साड़ी पे पिकॉक वगैरह बिल्कुल नहीं, एकदम प्लेन वाली साड़ी है और थोड़ी सी डिफरेंट काइंड ऑफ की साड़ी है। और अंदर का पल्लू जो है वो कुछ इस तरह का है। आप में से बहुत सारी साउथ इंडियन लेडीज़ मुझे देखती है तो उनको समझ में आया होगा कि ये कैसी साड़ी, एक्चुअली कॉटन साड़ीज़ है। कॉटन साड़ीज़ कैसी होती है कि आपको बहुत ख्याल रखना पड़ता है, और उसमें से अगर आपकी वाइट साड़ी हो, ऑफ वाइट कलर एक्चुअली है, तो आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। एक्चुअली ये जो पिकॉक जो है वो मुझे बहुत अच्छे लगे। सेम साड़ी जो है मेरी मम्मी के पास भी है और मेरे पास भी है। और ये ये वाला गोल्डन जो काट है वो मुझे लगता है यहाँ पे चाहिए था, क्योंकि वो बहुत डार्क है, वो बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने चेन्नई एक्सप्रेस देखी होगी तो दीपिका पादुकोण ने यही से मतलब ये प्लेन वाली साड़ी पहनी है, मतलब ये जो वर्क है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पीकॉक जो है वो नहीं है, प्लेन वाली साड़ी पहनी है। और ये जो गोल्डन काट है वो, ये जो गोल्डन काट है तो उन्होंने उसने उस टाइम उस लगाए थे, तो मतलब आप चेकआउट कर सकते हैं। मुझे लगता है कौन सा गाना था, कुछ तो गाना था बन के तितली ऐसे कुछ तो गा रहा था, तो उसमें उन्होंने पहनी, क्योंकि वो पूरी साउथ इंडियन थी। उसके बाद ये वाली साड़ी भी मैंने अभी तक नहीं पहनी है, बिल्कुल नहीं पहनी है। और ये जो साड़ी है बहुत, हाँ पहनी, मुझे लगा नहीं पहनी, एक ही बार पहनी, दिवाली के टाइम पहनी थी। उस टाइम मैं लाइव भी आई थी और मेरी मम्मा और मेरी सिस्टर मेरे घर पर आई थी, तभी उस टाइम मैंने पहनी थी। यस मैंने पहनी थी, मुझे याद ही नहीं आता है। और ये भी साड़ी बहुत अलग है, बहुत ही ज़्यादा अलग है, मतलब ऐश कलर बोले आप उसको, मतलब क्या कौन सा कलर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ही डिफरेंट। एक्चुअली ये सुपर नेट की साड़ी है और बहुत लाइट वेट है। एक्चुअली ये एक ब्रांड की साड़ी है, मुझे लगता है ये लक्ष्मीपति ब्रांड की साड़ी है। हाँ ये लक्ष्मीपति ब्रांड की साड़ी है। लक्ष्मीपति ब्रांड की जो साड़ी होती है इनके कैटलॉग पीस होते हैं, और मुझे लगता है ये मैंने कितने में ली थी, 2 या 2500 ऐसे कुछ का प्राइस में ली थी ये वाली साड़ी। और बहुत लाइट वेट है और मुझे कंफर्ट लगते हैं लाइट वाली साड़ी। और उसके बाद ये वाली साड़ी मैंने पहनी थी होली पे, और इसका भी कलर बहुत ही अलग है, बहुत अलग है, मतलब इसका जो कॉम्बिनेशन जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डार्क रेड हो, बट ऊपर ऊपर जब जैसे कि आप जाओगे तो ये फैन कलर की हो जाती है। और बहुत अलग काइंड ऑफ की साड़ी है, ये भी सुपर नेट में, मुझे लगता है इसको भी सुपर नेट में बोला जाता है, इसका जो क्या बोलते हैं टाइप। हाँ, और ये सेम ही ऐसी अंदर है, मतलब इसका पल्लू भी कुछ इस तरह का ही है। ये मुझे लगता है ऐसे कुछ तो 2 से 3 हज़ार ऐसे कुछ तरह में, इसके अंदर कुछ नहीं, परकर वगैरह कुछ नहीं है। नेक्स्ट वाली साड़ी जो है ये तो मैंने पहनी भी नहीं, येलो वाली साड़ी है, और इसका ब्लाउज मेरे पास है, एक्चुअली उसका परकर नहीं है, इस वजह से मैंने अभी तक नहीं पहनी है। ये इस तरह की साड़ी है, और मुझे लगता है ये जो कलर है पता नहीं, शायद मुझ पर सूट हो गया होगा या नहीं, पता नहीं, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा। एक्चुअली जब मैंने देखी थी तब मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, बट मुझे ऐसे लगता है मुझे सूट नहीं होगा, ऐसे हमेशा क्यों लग रहा है, इस वजह से मैंने इसका प्रकार भी नहीं रहा और मैंने इसे कभी पहना भी नहीं। मुझे लगता है जॉर्जेट मटेरियल, प्योर जॉर्जेट मटेरियल है, और जॉर्जेट में भी इस भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। और मुझे
ये डिज़ाइन देख के मैंने इस साड़ी को पसंद किया था, यानी कि नीचे वाला डिज़ाइन जो था ये देख के मैंने पसंद किया था। और इसकी प्राइस जो कि मैंने बहुत महंगी ली थी, शायद का देख लो तो मुझे लगता है मैंने इस साड़ी को लिया था कुछ 2000 के अराउंड ऐसे कुछ तो। और ये इस वजह से ये महंगी होती है क्योंकि ब्रांडेड होती है, मतलब लक्ष्मीपति ब्रांड अगर आपको पता होगा तो इस वजह से। कि और इसका जो मटेरियल होता है लक्ष्मीपति ब्रांड की साड़ी इसका बहुत अच्छा होता है, बहुत सारे ब्रांड होते हैं बट बहुत सारे ब्रांडेड होते हैं साड़ीज़ में जिनकी क्वालिटी जो है बहुत अच्छी होती है। और लक्ष्मीपति में भी कुछ डुप्लीकेट ब्रांड्स आते हैं बट समझ में आ जाता है क्योंकि लक्ष्मीपति ब्रांड ऐसा होता है कि उसके कैटलॉग पीस होते हैं। मैं जहाँ से परचेज़ करती हूँ तो उनके पास डुप्लीकेट भी लक्ष्मीपति साड़ीज़ होती है सेम वही, और उसकी क्वालिटी थोड़ी सी लो होती है और सेम वही पीस होता है कुछ नहीं, बट उसका जो मटेरियल होता है लक्ष्मीपति ओरिजिनल का वो बहुत अच्छा मटेरियल होता है, तो इस वजह से थोड़ी सी महंगी होती है बट क्वालिटी अच्छी होती है। इस वजह से मैं लक्ष्मीपति ओरिजिनल ब्रांड लेती हूँ। और मेन चीज़ ये होती है कि ये कैटलॉग पीस होते हैं लक्ष्मीपति के, मतलब मैं जहाँ से लेती हूँ मतलब आपको कैटलॉग दिखाए जाते हैं। अगर आपको कोई साड़ी पसंद आती है, अगर आपको वो चाहिए बट जस्ट वो ओपन नहीं करके, जैसे कि अगर हम किसी साड़ी की दुकान में जाते हैं तो डायरेक्ट वो ओपन करके दिखा देते हैं, बट ये साड़ी से ऐसा नहीं होता है। अगर आपको पसंद आती है, अगर आपको परचेस करनी है तब भी वो बेचते हैं, मतलब ऐसा तो है, मतलब जहाँ से मैं लेती हूँ। नेक्स्ट वो ये भी साड़ी जो है वो लक्ष्मीपति ब्रांड की है, और ये जो साड़ी है ब्लैक साड़ी है और आप देख सकते हैं मैंने इसे पहना था, मैंने एनिवर्सरी पे पहना था, और इसका भी मटेरियल भी बहुत अच्छा ब्लैक कलर है, और इसका भी मटेरियल जो है वो बहुत अच्छा है। मुझे लगता है इसको जॉर्जेट मटेरियल बोलते हैं। अंदर तो प्लेन साड़ी है, मतलब सेम अंदर ही वैसा ही है, और इसकी भी प्राइस ऐसे कुछ 2000 ऐसे कुछ अराउंड मतलब आसपास है, मतलब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा बट उतना तो है। फिर इसके बाद ये भी लक्ष्मीपति ब्रांड की साड़ी है, और ये बहुत पुरानी हो चुकी है एक्चुअली, मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, मुझे लगता है ये 4 साल पुरानी हो चुकी है। और कहाँ पे पिंक यहाँ पे हाँ नहीं, और ये साड़ी अभी तो मैं घर पे कभी कभार पहन लेती हूँ, हाँ ब्लैक राइट कुछ इस तरह से है, ये साड़ी अंदर भी कुछ इस तरह से। एक्चुअली लक्ष्मीपति की जो साड़ीज होती है मतलब अगर कैजुअल होती है, मतलब ज़्यादा भड़कीले नहीं होते, बहुत कम ऐसे साड़ीज होती है उनकी कि वो मतलब हाँ ये भी वाली साड़ी, हाँ ये वाली साड़ी लक्ष्मीपति ब्रांड की है, बहुत ऐसे मतलब चमकीले वगैरह नहीं होते, एकदम सोबर सिंपल तरीके की होती है। और भी सुभाष ब्रांड जो है उनकी भी बहुत सारी अच्छी साड़ीज होती हैं। और हाँ नेक्स्ट ये भी वाली साड़ी जो है वही तो बहुत पुरानी, ये भी लक्ष्मीपति ब्रांड की साड़ी है, ये तो बहुत मुझे पसंद आती है बहुत ज़्यादा। ये ब्लू बच्चा ब्लू कलर है और वो बहुत लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट, इस वजह से मुझे पसंद है। बट ये क्या होता है ना कि दोनों अंदर हाँ हाँ ये जो है इसका पल्लू है ग्रीन, कहाँ पे ग्रीन ग्रीन, अच्छा यहाँ पे ग्रीन, थैंक यू। एक्चुअली जब भी मैं बातें करती हूँ बच्चे बीच में आ जाते हैं, तो सब दिमाग में जो होता है वो सब कुछ चला जाता है। तो यस ये सी साड़ी मुझे लगता है मैंने 1200 में कुछ तो ली थी, यस 1200 में कुछ, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं थी। और बट ये जो साड़ी है सबसे ज़्यादा मुझे मतलब जचती है, ऐसा मुझे मेरे हस्बैंड कहते हैं, क्योंकि मैं बहुत क्यूट लगती है साड़ी में। मैंने ये साड़ी पहनी थी मेरे एक ब्लॉग में है, शायद वो जन्माष्टमी का ब्लॉग होगा, हाँ उसी टाइम मैंने पहनी थी। और बहुत लोगों को लगता है कि ये साड़ी ये बहुत महंगी होगी, मुझे बहुत सारे लेडीज़ ने पूछा था जब भी मैं पहनती हूँ कि 3000-4000 की नहीं इतनी महंगी नहीं। सो ये थोड़ा बहुत कलेक्शन मैंने आपको दिखाया, आई होप आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ा सा स्वामी श्री गणेश जी ने परेशान किया। और नेक्स्ट वीडियो में आपको पक्का दिखाऊंगी मेरी पैठनी साड़ी, पैठनी साड़ी जो होती है मतलब महाराष्ट्र लेडीज जो होती है उनको चाहिए होती है, और उनके कलेक्शन में पैठनी साड़ी थोड़ी सी महंगी होती है। एक्चुअली मैंने अपनी शादी में पता नहीं क्यों नहीं पहनी थी पैठनी,
मेरे दिमाग में नहीं आया था। और जब मैंने कब ली थी, जब मुझे लगता है मैं 6 मंथ की प्रेगनेंट थी, और हमने जो शॉप जो थी हमारी, वो मतलब बड़ी की थी। मतलब पहले हमारी शॉप जो थी, जैसे कि आप अगर देखते हो तो इतनी बड़ी नहीं थी, छोटी थी पहली शॉप, जिस जगह थे वहीं पे थी। और बट उसके बाद जब हमने बड़ी की, तब हमने बहुत बड़ा ओपनिंग रखा था। उसके फ़ोटो मैं कभी कभार आपके साथ शेयर भी करूँगी। और उस टाइम मैंने पैठनी ली थी, और वो जो पैठनी मेरे पास भी है, सेम पैठनी, और मेरी मम्मी के पास भी है, सेम कलर है एक्चुअली। वो हमने बना के ली थी जिस सिटी में रहती हूँ, मतलब मेरा जो मायका है संगमनेर सिटी, उसी सिटी के पास, मतलब येवला करके एक छोटी सी सिटी है, वहाँ पे ये पैठनी साड़ी जो है बनाया। मतलब मैं अभी क्यों बता रही हूँ सारी इन्फॉर्मेशन, जब मैं पैठनी वाली साड़ी दिखाऊंगी तभी मैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो आई होप आप सभी को मेरे ये जो साड़ी कलेक्शन है, ये पार्ट वन जो है, बहुत पसंद आया होगा। और मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन बाय एवरीवन। अच्छा, स्वामी श्री गणेश को भी बाय करना है। यहाँ पे आ जाओ। अच्छा गणेश दीदी, यहाँ पे आ जाओ। अच्छा बाय। अच्छा लाइक, स्वामी दीदी बोल रही है लाइक करो। अच्छा बाय, चलो बाय 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 बाय।